हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली बीन्स की भाजी। बीन्स को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अभी मैंने कांदा और मिर्ची एक साथ काट लिया है और यहाँ पे मैंने आलू को भी काट लिया था। अभी मैंने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल हो गया गर्म। अभी आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, आलू हो गया है फ्राई। अभी मैं इसमें इसी कढ़ाई में डाल दूँगी जीरा, कड़ी पत्ता और जो कांदा और मिर्ची काट के रखा था वो भी डाल दूँगी और इसको मैं हल्का पकने दूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो थोड़ा हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, आधा टमाटर डाल दूंगी क्योंकि गावटी टमाटर था, खट्टा ना हो। हल्दी डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, धनिया पाउडर डाल दूंगी और अभी डाल दूंगी गरम मसाला और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ बीन्स और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं डाल दूंगी फ्राई किया हुआ आलू, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी डाल देंगे एक कप पानी और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक के रख देंगे 10 मिनट तक। अच्छे से बीन्स और आलू पक जाएंगे और फिर इसमें मैं डाल दूंगी इसमें कोथमीर डाल दिया है मैंने। और अभी देखिए भाजी बनके हो गया रेडी। कितना अच्छा लग रहा है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।